जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दी, डीएसओ जयमाल राठौड़ की विभिन्न ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयपुर सहित चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर की एसीबी यूनिट्स की टीम कार्रवाई कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। डीएसओ जयमाल राठौड़ के विभिन्न ठिकानों पर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि डीएसओ जयमाल राठौड़ है जिनके विभिन्न ठिकाने और वहां पर एसीबी की टीम पहुंची, कार्रवाई की गई। आय से अधिक संपत्ति के पूरे मामले में जयपुर सहित चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर की एसीबी यूनिट्स की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि शर्मा जुड़ चुके हैं। रवि, इस पूरी खबर पर विस्तार से जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है और यहां पर भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, क्या है जानकारी रवि आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए इंदु, ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है एसीबी की, क्योंकि जयपुर इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसको इस बात का इनपुट था कि जो ये डीएसओ है जयमल राठौड़, इन्होंने अपनी आय से कई गुना संपत्ति जो है वो अर्जित की हुई है और इसी के सर्च के लिए जयपुर के अलावा चित्तौड़ की टीमों को इसमें शामिल किया गया है, उदयपुर की टीमों को इसमें शामिल किया गया है और साथ ही साथ डूंगरपुर की टीम को भी, एसीबी की जो टीम है उनको शामिल करके और इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। उदयपुर में करीब 2-3 ठिकाने अभी तक जो हमारे पास जानकारी है जहां पर कार्रवाई हो रही है और एसीबी की यूनिट जो है वो एक तरीके से कहें तो सर्च कर रही है कि किस तरीके से क्या दस्तावेज मिल पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन जो प्राइमा फेसी जानकारी है, जो जयमल राठौड़ है डीएसओ, ये पहले इंस्पेक्टर थे और बाद में प्रमोशन हुआ, उसके बाद डीएसओ बने और दरअसल कुछ होटल्स में, कुछ रिजॉर्ट में इनके इन्वेस्टमेंट की बात सामने आई है, कुछ और जगहों पर भी इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है, तो उन तमाम चीजों को फिलहाल एसीबी की यूनिट जो है वो खंगालने का काम कर रही है। जो भी दस्तावेज वहां से मिलेंगे उन्हें पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा कि किस तरीके से संपत्ति जो है वो अर्जित की है। लेकिन चूंकि जिस तरीके की इनपुट जो है वो एसीबी की यूनिट्स के पास में था और इसी के आधार बनाकर कार्रवाई की गई है, तो जाहिर सी बात है कुछ अगले घंटों में तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। जी इंदु, बिल्कुल रवि, देखिए तमाम ऐसे ठिकाने हैं जहां पर कार्रवाई हो रही है, आप भी जानकारी दे रहे हैं कि दस्तावेज जो है वो यहाँ पर मिल रही है, क्या लग रहा है रवि कुछ और भी ठिकाने यहाँ पर खुल सकते हैं और अभी कितने ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इनपुट मिलते जाएंगे आगे से आगे, चीजों को कोरिलेट किया जा रहा है कि किस तरीके से क्या कनेक्शन जो है वो मिल रहे हैं, कहां कहां पर संपत्ति जो है वो अर्जित की हुई है और किस तरीके से उनमें इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट है, कोई बेनामी संपत्तियां हैं, किस तरीके से तमाम चीजें जो है वो फिलहाल, क्योंकि कुछ घंटों पहले ही ये कार्रवाई जो है वो शायद शुरू की गई जिस तरह की जानकारी हमारे पास में है, तो संभव है आने वाले कुछ घंटों में ये तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। जी बिल्कुल रवि, कुछ ही समय में स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया रवि पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है कई ठिकानों पर यहां पर कार्रवाई, और कुछ ही देर में इस कार्रवाई को लेकर पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। उदयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है एसीबी ने, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे डीएसओ जयमाल राठौड़ के विभिन्न ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई।